सांसद दे हिसाब अभियान की शुरुआत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला से की जाएगी और धूमल के घर हमीरपुर से ही सांसदों को घेरने के लिए तैयारी की जा रही है ताकि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस बाजी मार सके। सांसद दे हिसाब अभियान के तहत इसी माह हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस अभियान शुरू करेगी और इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने कमर कस ली है। हमीरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर के अनुसार सांसद दे हिसाब कार्यक्रम का शुभारंभ अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा प्रदेश प्रभारी सुशील सिंधे से प्रभारी रंजिता रंजन भी मौजूद रहेंगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि कार्यक्रम के लिए तैयारियां की जा रही हैं और जल्द ही कार्यक्रम के लिए तिथि तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा प्रदेश प्रभारी सुशील सिंधे सह प्रभारी रंजिता रंजन के मौजूद रहने की संभावना है। एक नारा दिया है हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। अभी हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने भी भाग लिया। उसमें जो चार साल का कार्यकाल है ये पूरे हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीट पर भाजपा के सांसद हैं और कांग्रेस जो एक अभियान शुरू कर रही है कि हिसाब दे सांसद जवाब दे सांसद, जो उनका चार साल का कार्यकाल है, चार साल के कार्यकाल में उन लोगों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या कार्य किए, क्या क्या उन्होंने कितना बजट लगाया और वो कितनी बार लोगों के बीच में गए, उसके ऊपर जो एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है हिसाब दे सांसद जवाब दे सांसद, उसमें हम लोग उसके बारे में जो लोगों के लिए उन्होंने जब सत्ता में आए थे, आज उनकी प्रदेश में सरकार है, देश में उनकी सरकार है, तो उन्होंने अपने चार साल के कार्यकाल के अंदर अपने अपने संसदीय क्षेत्र में क्या क्या किया उसका जो जवाब है और हिसाब है वो कांग्रेस जो है उसे मांगेगी। कब तक उम्मीद की जा रही है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जल्द ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी इसका अभियान छेड़ा जाएगा और जो हमीरपुर जिला है हमीरपुर जिला में भी हर जिला स्तर पर इस अभियान को छेड़ा जाएगा जिसमें हमारे प्रदेश के बड़े नेता भी शामिल होंगे। कब तक होने की उम्मीद है? प्रस्तावित इसी महीने इसकी शुरुआत हो जाएगी।